डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ एक्सरसाइज 52 है और चैप्टर 9 है ये। तो इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, किस प्रकार से हम लोग मापते हैं किसी चीज़ को और किस चीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स इन डेसिमल्स। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको चेंज करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर ये मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले इसका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, तभी हम आसानी से इसको बना पाएंगे। हमारा जो मापने का यूनिट होता है ये इस तरह से होता है। बुक में जैसे बताया गया है, तो बुक में इतना डिटेल नहीं बताया गया है, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर, डीएम मीटर हो गया, और डीएम मतलब डेसीमीटर हो गया, मीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया और किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से ये हमको याद रखना चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ से यहाँ जब चलते हैं, मतलब 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो यहाँ पर ये छोटा यूनिट हो गया, ये जो है ऊपर, मतलब यहाँ पे छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट तक हम लोग चलते हैं। इस तरह से ये चला जाता है। तो ये छोटा यूनिट से हम बड़ा यूनिट जब चलते हैं, ये इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर चलते हैं, तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। और कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना बार हम लोग चलेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ चलें तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलें तो 10, फिर उस पर एक जीरो लगा देते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चलेंगे तो फिर इसको जो है 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। और इधर से हम लोग बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की ओर जाते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितना स्टेप चलते हैं। एक स्टेप में 10, दूसरा स्टेप में फिर उस 10 पे एक जीरो लग गया 100, तीसरा स्टेप में फिर आपको चला गया 1000। इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है हम लोग के पास, ए बी सी। तो यहाँ पे मिलीमीटर है और हमको जाना है सेंटीमीटर में, मतलब है कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है, मतलब हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया, तो 1 बाय 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास कितना है, 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 के जगह पे या फिर 1 बाय 10 हम लिखते हैं, 1 बाय 10 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 बाय 10, तो 3 बाय 10 का मतलब 10 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 0.3, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। या नहीं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 10 से आप कर सकते हैं, 3 को डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से जाने वाला तो है नहीं, तो 10 देके पॉइंट देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 3 जाए 30, इस तरह से 30 हो गया, ये कट गया पूरी तरह से। तो आंसर क्या है, 0.3, इसलिए 0.3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, इस तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे, 1 mm इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर, सेम होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 56 mm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय 10 मल्टीप्लाई 56, इसका मतलब है 56 बाय 10, और इसका मतलब 10 है तो 1 के बाद, तो मतलब आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, और ये होगा इसका आंसर। इस तरह से सी नंबर में हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी पार्ट है हमारे सामने, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटीमीटर ध्यान देना है, सेंटीमीटर में हमको चेंज करना है, तो ऑलरेडी यहाँ सेंटीमीटर ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को इसको चेंज करना है, mm को सेंटीमीटर में जो है उसको रहने देते हैं, और आंसर जो आएगा तो इसको, इसके लिखने के बाद हम पॉइंट के बाद इसको लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर ऑलरेडी हम लोग के पास जो है उसको पहले लिखना है, इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और यहाँ पे 4 mm हमारे पास है, तो इसको कितना हो गया, डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0.4। 10 है मतलब जो हमारे पास डिजिट है उसके 1 के बाद इधर से काउंट करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.4 हो गया। तो हमारे पास पहले से है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर प्लस 0.4, ये सेंटीमीटर ये भी है, तो क्या हो गया, 8.0, तो पॉइंट तो ये हो गया, 4 हो जाएगा सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे उसी तरह से 1 मिलीमीटर, ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमीटर 12 है तो इसको चेंज नहीं करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर,
हमारे पास है 6 मिलीमीटर, इक्वल टू कितना हो गया 6/10, इसका मतलब कितना हो गया 0.6। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर है, प्लस हो जाएगा इसमें 0.6, ये भी सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया 12.6 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।